आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी अब 650 के पार पहुंच गई है, तो वहीं लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर आईएमए सदस्य डॉक्टर अशोक शर्मा ने चिंता जाहिर की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जल्द ही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं देनी शुरू नहीं की तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बहुत ही सही टाइम पे सही को प्रश्न पूछा है, रादर हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा लेट हो गए इस चीज को समझने में। जो ये प्रश्न आया है यही इसका सॉल्यूशन भी है। सारे के सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं सबको मालूम है कि 80% प्राइवेट के अंदर काम होता है और 20% वहाँ पे काम होता है। वो 20% ने एक झेलते झेलते एक स्थिति यहाँ तक आ गई कि सैचुरेशन से भी ज़्यादा हो गया। अब प्राइवेट हॉस्पिटल नयती डेफिनेटली एंटेंगल कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। कृष्णा हॉस्पिटल वाले ने डाला है और लोटस डाल रहा है और भी हॉस्पिटल्स डाल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं उनको कोरोना हॉस्पिटल बना दे रहे हैं? ये बिल्कुल ज़रूरी है कि इस समय जिस जो भी अप्लाई करे, बल्कि ये मैसेज निकालें प्रशासन कि भाई जो भी अप्लाई कर रहा है विदाउट डिले उसे कोविड हॉस्पिटल में बनाने की कोशिश करें।